तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए गाइस। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। और मैं दिन में गई थी वीडियो बनाने के लिए, वैसे सब लोग आए थे, मेरे अपने भाई बहन जैसे ही हैं सब लोग, तो वो लोग भी कभी जब टाइम मिलता है तो साथ में वीडियो बनाने के लिए आते हैं। तो आप लोग उन्हें भी सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। तो जब भी टाइम मिलता वो लोग आते हैं, ऐसे रोज़ नहीं आते, कभी 15 दिन में, महीने में कभी टाइम मिल गया तो आते हैं। तो मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ। और मैं, पता है, आज यही सोच के गई थी कि मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, और लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जैसे पहुँची मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब हो गई और पैर में दर्द हो रहा था। तो जब किसी के पैर में दर्द होगा तो वो डांस कैसे कर सकता है गाइस, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो सच बताऊँ तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और कुछ भी खड़े होके करने की इच्छा नहीं कर रही थी। और इस समय मैं थोड़ी दुबली होती जा रही हूँ, देख रहे हैं आप लोग ये गाल पे और ये हड्डियाँ, देख रहे हैं इधर और इधर, और ये जो है एक ये, और ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और यहाँ जो निशान आता है, इन सब से यही पता चलता है कि आप दुबले हो रहे हैं। तो गाइस मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मोटे होने का कोई शौक नहीं, बस थोड़ा यही हड्डी वड्डी जो निकल जाता है और गाल जो है जो पिचुक जाते हैं तो थोड़ा दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन होती है। बट कोई नहीं, अभी मैं 9 दिन व्रत थी, इस वजह से दिक्कत हो गई है थोड़ी बहुत। तो अभी जैसे 9 दिन व्रत रहो, उसके बाद कुछ भी खाओ तो थोड़ा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। एक दिन मैं, कल था या परसों, मैंने होटल में खाना खा लिया था, मैं हाँफ रही थी ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, एकदम सांसें फूल रही थी। किस तरह मैंने खाने को पचाया है मैं ही जानती हूँ। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा खा खा के प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो थोड़ा जो है हाजमा जो व्रत रहने की वजह से आती जिसे बोलते हैं बटुर गया है, तो थोड़ा सही होगा तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊँगी।